हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ एचबीआर। नाउ द की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन दैट इज द मार्कोनिक ऑफ एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या है? एक्चुअली ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए होता है, ठीक है? ये मतलब जहां पर हमारा सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहेगा, ठीक है? अब जब मार्कोनिकोव रूल होता है, ठीक है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव जस्ट ऑपोजिट है। मार्कोनिकोव रूल्स में क्या है, अगर सपोज मान लेते हैं कोई एल्कीन है, ठीक है, और वो भी अनसैचुरेटेड ऑब्वियसली है, अनसैचुरेटेड है और उसके साथ अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो ए और एल्काइन होगा तो फिनोमेना नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखिए एचबीआर का रिएक्ट हो रहा है, अब एचबीआर क्या करेगा, एल्किन क्या करेगा, पाई बॉन्ड एच को टेकअप करेगा और बीआर माइनस को लिफ्ट कर देगा, ठीक है। अब एच देखिए एच कौन से वाला कार्बन के पास जाएगा, इस वाले और इस साइड। अब देखिए ए वाला जो कार्बन है इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है क्योंकि दो मिथाइल है, ठीक है, और इस कार्बन में स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो इसमें जा सकते हैं। अब और दूसरी तरह हम अगर देखेंगे तो इस कार्बन में देखिए हाइड्रोजन कम है। अब आप कह सकते हैं इसमें तो मिथाइल है, मिथाइल में तो तीन हाइड्रोजन रहता है, पर इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। मिथाइल मतलब क्या है, इस कार्बन से ऐसे करके हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इस कार्बन से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, पर ये जो राइट साइड वाला जो कार्बन है इससे हमारे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा है उस साइड अगर हाइड्रोजन जाएगा उसको ही हम मार्कोनिकोव रूल कहेंगे, मतलब इस साइड अगर हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर एचबीआर के साथ रिएक्ट होगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, सी एच एच और ए हमारा आ गया सी एच थ्री, ठीक है। अब इसमें कार्बोकैटायन हो जाएगा फॉर्म और यहाँ पर बीआर माइनस जो है वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन को फिर अटैक करके यहाँ पर हमारा ब्रोमाइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब ये बन गया मोर सब्स्टिट्यूटेड थोड़ा, ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रोमाइड कौन सी साइड अटैक हुआ, जिस कार्बन ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, पर यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और हाइड्रो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूटेड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूटेड इफेक्ट में वो मिथाइल ग्रुप का हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकोव क्या है, अब देखिए यही वाला रिएक्शन, ठीक है, अगर यही वाला रिएक्शन अगर रिवर्स केस में हो जाए, मतलब देखिए सेम रिएक्शन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर किसी किसी केस में रिवर्स केस में भी होता है जैसे हाइड्रोफ्लोरेशन में होता है, ठीक है। तो अगर इस साइड होगा तो इस साइड अब कौन सी साइड में जाएगा, देखिए ये हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल आ गया। अब मार्कोनिक के रूल के अनुसार हाइड्रोजन को किस साइड जाना चाहिए, इस कार्बन के पास जाना चाहिए, ठीक है, पर एंटी मार्कोनिक मतलब ऑपोजिट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन इस साइड आ जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा हमारा इस साइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिक, मतलब जहां पर हाइड्रोजन कम है उस साइड अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए उसको हम एंटी मार्कोनिक रूल कहते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनिक जब क्या है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम में होगा, पहले है पेंट टू इन। अब देखिए इसमें क्या होगा, फाइव कार्बन होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, अब टू इन मतलब टू और थ्री बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड होगा, अब हो गया हमारा अनसिमेट्रिकल। अब देखिए इसका अगर एचबीआर के साथ हम रिएक्ट करें तो ये पर क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब ए वाला कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड, ए वाला कार्बन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कार्बन में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसमें ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है और इसमें इस साइड हाइड्रोजन आ जाएगा और इस साइड ब्रोमीन, क्योंकि एंटी मार्कोनिक रूल के अनुसार ये लेस सब्स्टिट्यूटेड जाएगा। देखिए लेस सब्स्टिट्यूटेड में ब्रोमीन आया गया,
इसमें ऑब्जर्व होता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें चाहिए जिसमें ऑब्जर्व नहीं होता। बी में है प्रोपीन, आप प्रोपीन क्या है, ये है हमारा प्रोपीन, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अगर एचबीआर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा हमारा। अब देखिए इस साइड यहाँ पर क्या होगा, टू दोनों कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस साइड हाइड्रोजन कम है, तो इस साइड जिस साइड हाइड्रोजन कम है उस साइड ही हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन ज्यादा है इस साइड हाइड्रोजन कम है, जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा है उस साइड ही हमारा डोमिनेट हो जाएगा और इस साइड हमारा हाइड्रोजन, बिकॉज ए कार्बन क्या था मोर सब्सटीट्यूटेड था पर हमें लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया, इसमें भी शो हो रहा है एक्चुअली एंटी मार्कोनी का शो हो रहा है पर हमारा आंसर गलत है। सी में क्या है, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, अब देखिए ब्यूट टू इन में क्या है, वन टू थ्री फोर हो गया, अब टू इन मतलब यहाँ पर हो गया, अब देखिए ए भी क्या है सिमेट्रिकल, अब ए हमारा आ गया सिमेट्रिकल, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सैचुरेटेड बॉन्ड कहाँ पर है, एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर और ब्रोमीन यहाँ पर, तो देखिए अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन को जुड़ा दिए और यहाँ पर ब्रोमीन को, और अगर हम इस साइड हाइड्रोजन को और इस साइड ब्रोमीन को अटैच करें, देखिए कोई भी फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि इस कार्बन हमारा जो ए वाला कार्बन है और ए वाला कार्बन है इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल सिस्टम है, तो इसमें हम पता नहीं हम डिस्टिंग्विश कर नहीं पाएंगे कि इस एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट है या मार्कोनी का प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में एंटी मार्कोनी का रूल फॉलो नहीं होता, सो हमारा ए वाले ऑप्शन में आंसर आ गया। और ऑप्शन डी में है ब्यूट वन इन, अब देखिए ब्यूट वन इन क्या है इस साइड, अब इस साइड क्या है अनसिमेट्रिकल, अगर ए भी एचबीआर के साथ रिएक्ट होगा, ये हमारा एचबीआर के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा, हमारा आ गया लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसमें हम एंटी मार्कोनी को कह सकते हैं, इसमें भी हम कह सकते हैं एंटी मार्कोनी को फॉलो हुआ है, इसमें भी हुआ है, पर इस केस में हम बोल नहीं सकते ये एंटी मार्कोनी को है या मार्कोनी को, इसका मतलब हमारा जो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है एंटी मार्कोनी को वो है ऑप्शन सी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ड्यू टू इन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।